नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी। आपको हम बता दें कि सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। अब इस मामले में अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। आपको भी सुनवा देते हैं कि अखिलेश यादव ने मनीष सिसोदिया की रिहाई पर या फिर हम कहें जमानत पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, बहुत खुशी की बात है, हमें उम्मीद है कि न्यायालय सभी को न्याय देगा। लेकिन जो है सत्ता पक्ष कह रहा है कि इसको जमानत मिली है, अभी रिहा नहीं हुए हैं। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, उनको न्याय मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन किन शर्तों पर अदालत ने उन्हें जमानत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी की वजह से आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित हैं। ऐसे में ये कहकर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है। अपराध की प्रकृति कैसी भी हो, आर्टिकल 21 लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त ये भी कहा कि वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं और कहीं भाग नहीं सकते। उन पर जो मामले हैं उनमें से ज्यादातर सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं, ऐसे में उनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। हालांकि कोर्ट ने जमानत की दो शर्तें लगाई हैं। पहला, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरा ये कि सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। आपको हम बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले के मामले में पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद जल्द ही उनकी जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया है और कहा है कि हमारे नेता को जबरन जेल में रखा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।